अमरनाथ आपदा का सबसे लेटेस्ट वीडियो आया सामने इस वक्त की बड़ी खबर, बादल फटने से के बाद तबाही का सबसे नया वीडियो, ब्रेक करें उसको। वीडियो में टेंट बहते हुए दिख रहे हैं, लोग इधर उधर भाग रहे हैं। सबसे लेटेस्ट वीडियो ये आपके सामने आ रहा है, तस्वीरों को देखिए आप किस तरीके से, ये उस मोमेंट में है जब वहां पर तबाही हुई। आपके सामने किस तरीके से तबाही हुई वहां पर, ये देखिए आप। इसी के साथ एक और बड़ी बात आपको दिखाने जा रहा हूं, अमरनाथ में हो रही आफत की बारिश इस वक्त की बड़ी खबर, बारिश ने फिर डाला रेस्क्यू ऑपरेशन में खलल, ब्रेक करें शॉट्स के साथ। राहत बचाव में जुटे जवान टेंट में वापस भेजे गए, लोगों को डरा रहा है आसमान में मानसूनी बादलों का जमावड़ा, बादल फटने से आई तबाही के बाद लोगों में दहशत। ये दोनों ब्रेकिंग और दोनों शॉट के साथ से मैं सीधे चलूंगा कुमार कुंदन लाइव, वहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार कुंदन, क्या हालात हैं बताइए मुझे जरा, अभी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन का क्या स्टेटस है? देखिए दो बातें हैं, सुबह से हो रही बारिश दोपहर में खत्म हो गई है, उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा से रीस्टार्ट किया गया है। एक मिनी जेसीबी मशीन को वहां पहुंचाने की कोशिश की जा रही है जिससे कि जो बोल्डर्स है उसको वहां से हटाया जा सके, और कोशिश ये है कि आने वाले दिनों में तकरीबन दो दिन और ऐसे लगेंगे ऐसा बताया जा रहा है, और उम्मीद ये की जा रही है कि 13 तारीख से यात्रा शुरू कर की जा सकती है अगर मौसम ने साथ दिया तो, नहीं दिया तो कुछ भी कहना मुश्किल है। पहली जहाँ तक आपने यात्रियों की बात पूछी तो यात्री अभी भी अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं। मैं इस वक्त जहाँ पंचतरी में हूँ यहाँ भी काफ़ी सारे लोग हैं। कितने दिनों से आप लोग हैं यहाँ? हम लोग 8 तारीख से, यहाँ तीसरा दिन है और 72 घंटा हम लोग हो चुके हैं। हमने हजारों लोग यहाँ फंसे हुए हैं और सब यात्रा के लिए धैर्य संयम के साथ और बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए हम लोग खड़े हैं कि जब रास्ता खुलेगा हम लोग जाएंगे। मैं बता रहा हूँ कि लग रहा है, उम्मीद लग रहा है रास्ता खुल जाएगा आप लोग? बिल्कुल खुल जाएगा, 11 तारीख से यात्रा शुरू होने वाली है। जैसे हम अमरनाथ सेवा समिति असंत करनाल से जुड़े हुए हैं। मैम आप लोग कहाँ से आए हैं, क्या परेशानी? सर जी मैं मुरादाबाद यूपी से आई हूँ और 8 तारीख को मैं यहाँ पहुँची तो गेट बंद हो गया, मैं वहाँ नहीं जा पाई, भोले बाबा ने हमें बचा लिया। और रात के 1:30 बजे जब लोग आए बहुत मुसीबत में, उनके पास कपड़े पैसे सब कुछ खत्म हो गए थे, तो यहाँ वालों ने व्यवस्था की कि उन्हें फुरफुरी टेंट में रखा जाए, लेकिन सब लोग फिर भी बहुत परेशानी में हैं। आप लोग इंतजार कर रहे हैं खुलने का? महाराष्ट्र आ रहे हैं हम। आप लोग खुलने का इंतजार कर रहे हैं, वापस जाएंगे? नहीं नहीं, दर्शन करने की जाएंगे, दर्शन करने के लिए। तो राजनीशांत मैं एक बात बताना चाहूँगा कि 3-4 दिनों से लोग यहाँ इंतजार कर, आपका नाम मेरे साथ बने रहिए, आपकी जो ग्राउंड रिपोर्ट है TV9 भारतवर्ष के कैमरे से, बाबा अमरनाथ के दर्शन सीधे कैद हुए हैं, पवित्र गुफा तक पहुंचा TV9 भारतवर्ष का कैमरा, यहां पर हादसे के बाद यात्रा रोके जाने के बीच गुफा से आंखों देखी, जहां से आया फ्लैश फ्लड वहां पहुंचा TV9 भारतवर्ष, सीधे प्ले ऑन करें इसको। TV9 भारतवर्ष अमरनाथ के उस पवित्र गुफा के पास मौजूद है जहां पे अब से ठीक 48 घंटे पहले एक ऐसी तबाही आई जिसने कई लोगों को काल के गाल में संभाल लिया। एक तरफ मैं दिखाना चाहूंगा ऊपर, सबसे पहले ये पवित्र गुफा है जिसके दर्शन के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेश से लोग आते हैं, हर मन्नत यहाँ पूरी होती है, ऐसी लोगों की आस्था है, और इसी आस्था पर भारी पड़ा उस दिन 48 घंटे पहले आया सैलाब, एक ऐसा सैलाब जिसने सब कुछ को तबाह कर दिया। इस पूरे बहाव के बाद जो सबसे पहले देवदूत बन के आए वो NDRF, CRPF, इंडियन आर्मी और ये जो जवान थे ये सबसे पहले आए और लोगों को बचाने की कोशिश किए। इस सब के बीच आपको एक और बड़ी खबर बता दूं, ये देखिए अब आप, ये है भारत, अमरनाथ हादसे में गुम तीर्थयात्रियों के लिए दुआ हुई है, बालटाल आधार शिविर में अदा की गई नमाज, शॉट दिखाए बगल में, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पढ़ी ईद की नमाज, अभी भी नहीं लग रहा है 40 यात्रियों का कोई सुराग। इन लोगों ने अमरनाथ यात्रा में गए लोगों के लिए जो कि शिकार हुए हैं इस हादसे का, उनके लिए दुआएं की हैं। मैं सीधे चलूंगा, इरफान मेरे साथ जुड़ चुके इसी खबर और शॉर्ट्स के साथ। इरफान पहले तो आपको ईद मुबारक, दूसरी चीज मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, ये बहुत एक अच्छा जेस्चर है किस तरीके से बालटाल में इन्होंने नमाज पढ़ी और उनके लिए दुआएं की।
देखिए बिल्कुल निशांत, आज ईद का मौका था और ईद के मौके पर मुस्लिम समुदाय दुआ मांगता है और उसी के चलते आज उन तमाम लोगों के लिए दुआ मांगी गई जो लापता है और साथ ही साथ उन को श्रद्धांजलि भी दी गई जिन लोगों की इसमें जान चली गई इस हादसे में। तो कहीं ना कहीं जिस तरह बालतल के पूरे इलाके में कल भी हमने देखा जब जीओसी 15 कोर वहां पहुंचे लोगों से मुलाकात किए तब भी वहां के स्थानीय लोग ये बता रहे थे उन्हें अपने माल की फिक्र नहीं है, उनके लोगों की जानों की फिक्र है। तो उससे आपको अंदाजा लग सकता है क्योंकि इन तमाम जगहों पर लोकल सपोर्ट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यात्रा भी तभी सफल हो पाती है जब वहां के स्थानीय लोग जो है यात्रा को सफल बनाते हैं क्योंकि यही तमाम लोग होते हैं जो कि इस तरह की स्थिति में जो है वहां लोगों की मदद करते हैं। और रेस्क्यू ऑपरेशन में भी बड़े पैमाने पर वहां जो लोग मौजूद थे पहलगाम और बालतल गांधरबल इलाके के उन्होंने वहां अपना योगदान दिया और लगातार अभी भी वहां लोग ठहरे हुए हैं आसपास के इलाके के रहने वाले।